कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अनाथ परिवार के बच्चों को बांटे गर्म जैकेट। माता पिता की कोरोना से हो गई थी मौत। चेयरमैन पद के प्रत्याशी अजय साहनी ने अजमतगढ़ के राजीव नगर वार्ड नंबर 7 में अनाथ बच्चों को बांटे गर्म जैकेट। नगर पंचायत अजमतगढ़ के राजीव नगर वार्ड नंबर 7 में चेयरमैन पद के प्रत्याशी अजय साहनी ने अनाथ भाई बहन को ठंड से बचने के लिए गर्म जैकेट दिया और आर्थिक मदद के लिए का एवं बहन की शादी के लिए भी पूरी तरह से आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया। अजमतगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र के राजीव नगर वार्ड नंबर 7 में रह रहे सनय चौहान उम्र 17 वर्ष, सोनम चौहान उम्र 15 वर्ष, मनोज चौहान उम्र 19 वर्ष के माता पिता की कोरोना से मौत हो गई थी, जिससे परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। बच्चे किसी तरह से अपना घर चला रहे हैं, नहीं इन अनाथ बच्चों को सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद मिली, नहीं नगर पंचायत अजमतगढ़ की तरफ से कोई आर्थिक मदद मिली। ऐसे में नगर पंचायत अजमतगढ़ में चेयरमैन पद की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे अजय साहनी ने अनाथ बच्चों से मिलकर उनका दुख सुख जाना और सभी प्रकार की मदद करने के लिए आश्वासन दिया एवं ठंड से बचने के लिए भाई बहनों को गर्म जैकेट दिया। वहीं इस दौरान अजय साहनी ने बताया कि कोरोना की भयंकर महामारी से इन भाई बहनों के माता पिता और दादी चल बसी थी और इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। जैसे ही यह मुझे मालूम पड़ा तो वैसे ही मैं इन अनाथ बच्चों से आकर मिला और अभी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो ठंड से बचने के लिए मैंने इन्हें गर्म जैकेट दिया है। मैं इन अनाथ बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता होगी उसे पूरा करूंगा और जब छोटी बहन की शादी करनी हो तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं पूरी तरह से आर्थिक मदद करूंगा। इस दौरान बाबूलाल चौहान, संजय साहनी, विक्की साहनी, देवेंद्र साहनी, अरुण गौड़, गोविंद साहनी, कमलेश साहनी, कपिल साहनी, प्रमोद राहुल साहनी आदि लोग उपस्थित थे। कोरोना काल में इनके दादी जी और इनके माता पिता तीनों एक्सपायर हो गए हैं और घर पे तीन ही बच्चे हैं, दो लड़के और एक लड़की है और इनका कोई सहारा नहीं है। और जैसे हमको पता चला है ठंड भी बहुत पड़ रही है, हमने आया इनको और जैकेट वितरण किया है, इनको दिया है और हमने कहा है कि हर संभव मदद करेंगे आपका। और बच्ची है, बच्ची जो है 15 साल की है, वो 5-6 साल में शादी योग्य हो जाएगी, तो हमने बोला है शादी विवाह में जब भी शादी पड़े तो हमको बताइएगा, हम शादी में भी सहयोग करेंगे बच्ची के। और पढ़ाई लिखाई, कागज कलम, किताब और फीस भरना है, सब में हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम तुरंत आपका वहन करेंगे। आप लोग पढ़िए और पढ़ाई करिए, पढ़ेंगे तभी तो विकसित होंगे, इसलिए हर तरह का उनका मदद करेंगे हम लोग।